Morning and welcome to my channel Unite for Knowledge. Our today's topic is oxidation reduction. We are going to talk about oxidation and reduction. This video lecture is in continuation with the chapter 1 class 10th. So hum start karte hain, what is the meaning of oxidation and what is the meaning of reduction. Sabse pehle hum baat kar lete hain oxidation ka matlab kya hai aur reduction ka matlab kya hai. Oxidation ka matlab hame naam se samajh mein aa raha hai, gain of oxygen. यानी कि अगर हमारा किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का गेन होता है या एलिमेंट कोई ऑक्सीजन गेन करता है या फिर और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन क्या होता है, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होती है तो उसे रिडक्शन मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का हम एग्जाम्पल लेंगे. When Cu, copper, react with oxygen in the presence of heat, it forms copper oxide, CuO. Right? जब हम इसे heat करते हैं copper को oxygen को तो copper oxide बनता है. So here copper oxide is formed, which is a black color compound. Black color compound. एक exercise का question इसी reaction पे based है. सो दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, जिसमें एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है, राइट, उसको क्वेश्चन को करना है तो ये वाला आंसर आएगा. अभी क्या होगा, अगर मैं इसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास करवा दूं, हाइड्रोजन गैस इसी कॉपर ऑक्साइड के थ्रू पास करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन रिवर्सल ऑफ दिस रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि कॉपर वापस से फॉर्म हो जाएगा, जिसका मतलब है ये ब्लैक कलर का कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा या टर्न हो जाएगा ब्राउन कलर के कंपाउंड में, राइट. तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको मैंने बोला क्यों, क्योंकि कॉपर के पहले अकेला था. अगर हम कॉपर को देखेंगे यहाँ पर तो कॉपर के पास ऑक्सीजन गेन हो गया है, तो दिस इज़ अ गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ओके, यहाँ पर अगर इस वाली रिएक्शन की हम बात करते हैं तो CuO का क्या हो गया, Cu बन गया, और H2 का क्या हो गया, H2O बन गया. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे CuO ने लॉस किया है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, यानी कि रिडक्शन, राइट, यानी कि ये वाली रिडक्शन रिएक्शन है. और अगर हम H2 की बात करेंगे तो पहले H2 था, अब H2O हो गया, यानी कि इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है, दैट मीन्स दिस इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस जिसमें दोनों ही चीज़ें कंबाइन होकर होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होती है ऑक्सीडेशन भी होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करते हैं, राइट, या फिर इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों ही नाम सही हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. ZnO प्लस सी कार्बन गिव्स अस Zn जिंक प्लस CO. अगर हम यहाँ पर बात करें ZnO का क्या हो गया, ZnO इज कन्वर्टेड टू जिंक एंड कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट. अगर हम यहाँ देखें इसने ऑक्सीजन लूज़ किया है, जिंक ने ऑक्सीजन लूज़ किया है, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन. एंड इसने ऑक्सीजन गेन किया है, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाउ लेट मी टेल यू दो चीज़ें और जिसमें जिसको कहते हैं, एक चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि कुछ एजेंट्स प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं या फिर ऐसे एजेंट जो रिडक्शन करा रहे हैं, राइट. एजेंट का मतलब क्या होता है, जो काम करा के देता है ना. तो यहाँ पर रिडक्शन किसकी हो रही है, ZnO की, राइट. यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि हमेशा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्टेंट साइड में से ही प्रेजेंट होगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड को भूलना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में से कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता. तो अपना आंसर कभी भी प्रोडक्ट साइड में से नहीं लिखना है. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, पूछ लिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा इसी साइड में से होगा, इस साइड में से हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. प्रोडक्ट साइड में से कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो यहाँ पर जिसकी रिडक्शन हो रही है तो करवाने वाला कौन हुआ, जो दूसरा प्रेजेंट है, यही होगा ना.
जब हो इसकी रही है तो एजेंट कौन बचा, यही होगा। तो रिडक्शन हो रही है ZNO की, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, कार्बन। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन की, तो दूसरा कौन बचा, ZNO। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ZNO, जिंक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान है, बस दिमाग लगाने वाली बात है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।